हेलो, क्या सर, मैं कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, कॉल पिकअप क्यों नहीं करते? इरादा क्या है आपका? हाँ, जरा सा लिफ्ट देकर पूरी की पूरी स्कूटी हजम करने का इरादा है क्या? कौन कौन से कबाड़ी वाले को जानते हो? कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ बेचे हैं? कैश कलेक्ट कर लिया क्या? ये जीप तुम्हारी ही है या ये भी चोरी की है? रुको, एक मिनट रुको, पुलिस में कंप्लेन करूंगी तब पता चलेगा। हेलो, तुम्हारी गाड़ी कल शाम को ही पहुंचा दी गई है तुम्हारे घर। स्कूटी मेरे घर पहुंचा दी है? कहानी बना रहे हो, वो भी मेरे साथ? अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरी स्कूटी मेरे घर तक कैसे पहुंचाई? मेरी स्कूटी पर मेरे घर का एड्रेस प्रिंट था क्या? हर गाड़ी का आरसी बुक और डॉक्यूमेंट्स तो होता ही है, उसमें पिन कोड के साथ ओनर का एड्रेस भी दिया होता है। बोल दीदी, कल कोई मेरी स्कूटी घर छोड़ गया था क्या? ओहो, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, कल शाम को ही कोई छोड़ गया था। क्या? शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चाय पी कर जाओ, पर ऐसे ही चला गया। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? ओके ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। ए हेलो हेलो, वन सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज 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 सॉरी। शक करना और बेइज्जती करना लोगों की आदत सी बन गई है, इसलिए तो सॉरी कह रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स ओके। पप्पू, एक प्लेट डोसा। ए, डोसा इधर ला। भाई डोसा। वेट कर। हेलो काशी। एक मिनट, हाँ, शबरी भाई बात करना चाहते हैं। जी भाई, फोन गणा को दे। सैयद अली को रोक कर रख, मैं और सिंह वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है भाई। भाई जा और गर्मा गर्म लेके आ। चाकू का काम तब तक है जब तक उसमें धार है, जब तक बुलेट है तब तक ही गन की वैल्यू है, और हिम्मत वाले जिगर की सांस रहने तक वैल्यू है। से निकले हुए माल के लिए तूने जो रिस्क उठाया ना, उसके लिए तेरा डंका पिट रहा है। मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं भाई से एक बार मिलूं। किस्मत वाला है तू, तेरा नाम भाई तक पहुंच चुका है। गए हुए माल के लिए रिस्क उठाया उसके लिए। मुझे यहां आए 4-5 साल हो गए, दादी माँ से मुश्किल से 2-3 बार ही मिल पाया हूं मैं। बस
इस वक्त सिंह अगर वहां पर है ना, तो ये सब उसकी मेहनत का फल है। सबरी के बारे में मत पूछो, उसका घर बीवी बच्चे तक को मैंने कभी नहीं देखा। तूने कभी भाई का घर देख लिया तो शॉक हो जाएगा। फुल सिक्योरिटी, उनके आगे देखो, पीछे देखो, जहां भी देखो, बाप रे बाप। भाई के कमरे के बारे में तो बहुत सारी बातें पता ही नहीं है। वो जिस कमरे में रहते हैं ना, किसी की एंट्री नहीं है। उनकी बैठने की कुर्सी से लेकर सोने का पलंग तक सब कुछ गोल्ड है। एक राजा की जिंदगी जीते हैं वो, मतलब के काम के सिवा किसी से कोई संबंध नहीं। एक बार मैं उनका कमरा देखना चाहता हूँ। क्या कर रहा है भाई? मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिख रहा है क्या? उसमें तो मेरा नाम मत लिख देना यार, वरना मेरा गेम बच जाएगा। तू कब से लिख रहा है लेकिन एक लाइन भी नहीं लिख पाया। भाई के बारे में लिखने को सोचा तो पेन ने भी सपोर्ट नहीं किया। मैं जा रहा हूँ यार, नींद आ रही है। बाय, गुड नाइट। आने जाने वाली लॉरियों को रोक रहे हैं, क्या ये सब आप अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं? ये बात सभी लोगों को पता है। माइनिंग के काम के लिए सालों से ट्रक मिट्टी ले जाकर जमीन को खोखला कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी होती है। इसकी वजह से पॉल्यूशन भी फैलता है, हरियाली पूरी तरह से खत्म होती जा रही है, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इन सब के खिलाफ हमने ऑफिसर से कितनी बार कंप्लेंट की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ कि इस इलीगल काम के लिए आखिर कौन है जो जिम्मेदार है? वो भैरती रणकल। अब तक हम बहुत कुछ खो चुके हैं, इसे बंद करवाए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। बंद करो। वो बूढ़ा हमारे काम के बीच में आ रहा है, आज उसकी लाश उसी के ट्रक में डाल दूंगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है रोनापुर के किसी मैटर के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। नमस्कार। अश्वथ कोटारी को छोड़कर इस समय जो आंदोलन आप कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। आपकी आवाज यहां उड़ती हुई धूल से टकराने के अलावा भैरवी राणा के गेट तक भी नहीं पहुंच पाएगी। वो जब तक आंदोलन खत्म नहीं करेगा, हम ट्रक रोड पर ही रोक कर रखेंगे। अपनी ताकत के बलबूते वो सुरंग से रास्ता बनाकर ट्रांसपोर्ट जारी रखेगा। क्या करना है इसका फैसला सिर्फ भाई ही कर सकते हैं। आपके जैसा अच्छा इंसान जनता के साथ है, फिर भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण